हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। आज जूनी X1 की परफॉर्मेंस के बारे में आपको मतलब कुछ बताना चाहता हूँ। ये दरअसल एक बहुत अच्छा बजट फ़ोन है जो कि आपको 9-10 हज़ार के अंदर तक मिल जाता है। इसमें आपको 3 GB की रैम तो जियोनी X1S में मिलती है, लेकिन जो जियोनी X1 है उसमें आपको 2 GB की रैम मिलती है और 16 GB इंटरनल मिलती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ मेमोरी में, देख सकते हैं परफॉर्मेंस नॉर्मल है। 2 GB रैम, 67% यूज्ड है। बाकी इसमें जो फीचर्स दे रखे हैं सच में वो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, मैंने इसको काफ़ी नोटिस किया है। आपको नोगेट मिल जाता है इसके अंदर, एंड्रॉयड 7.0 नोगेट। बाकी बाद में अपडेट आने के चांसेस हैं इसमें, 7.1.1 या ओरियो का सिस्टम अपडेट्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। मेरा अभी तक लेटेस्ट हो रहा है। बाकी इसमें आपको एक और परफॉर्मेंस और फीचर्स के मामले में मिल जाता है कि स्मार्ट आई प्रोटेक्शन, मतलब अगर आप रात को फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। और अभी हम परफॉर्मेंस के बारे में कर रहे हैं तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस मतलब थोड़ी ठीक ठाक लगी है। हल्का फुल्का तो लैग करता है, फिर भी मैं तो काफ़ी हाई यूज़ करता हूँ इस फ़ोन का, मतलब लो यूज़ में कुछ नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने अभी कितने सारे रिसेंट एप्स यूज़ करे हैं मैं। हाँ, तो इसमें हम थोड़े को चला के देखते हैं। ये तो मैंने वैसे भी मतलब बहुत देर पहले करे थे, अब क्या पता अब तो बंद हो रहे हैं, फिर भी इसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, मतलब इतना बेकार भी नहीं है। ये हल्का फुल्का बस अपन डायरेक्ट होम स्क्रीन का बटन दबाते हैं, मतलब क्लिक करते हैं तब थोड़ा सा हल्का होता है। बाकी परफॉर्मेंस की काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पर। ये तो सब मैंने अपने अरेंज कर रखे हैं आइकन्स को। यहाँ पे एक सिस्टम मैनेजर का एक ऐप टाइप मिलता है, उसमें आपको बूस्ट करने का ऑप्शन सिस्टम से मिल जाता है। उसकी बूस्टिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप कैश क्लीनर कर सकते हैं, वायरलेस डिटेक्शन, पावर मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है इसका, मतलब पावर बहुत अच्छी बचाता है ये फ़ोन। बाकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, और ये बात जान लीजिए थोड़ा रिबूटिंग टाइम बहुत मतलब कुछ ज़्यादा ही है इसका रिबूटिंग टाइम। तो सबसे पहले हम एक एक करके चीज़ें खोल के देखते हैं सारे ऐप्स कितनी देर में खुलते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी क्लॉक में जाके स्टॉप वॉच, जो टाइमर है स्टॉप वॉच को अपन ऑन करेंगे। सबसे पहले हम सारे ऐप क्लोज कर देते हैं, दोबारा हमें क्लॉक खोलनी पड़ेगी। स्टॉप वॉच हम ऑन कर देते हैं जल्दी से, और सबसे पहले हम फ़ोन खोलते हैं। फ़ोन थोड़ा लेट खुला है, सबसे पहले हम कैमरा खोलते हैं। फिर हम मैसेजिंग का खोलते हैं, वेदर, साउंड रिकॉर्डर, नोट्स, डाउनलोड्स, सिम टूल किट, चाइल्ड मोड, वीडियो, थीम पार्क, मूड वॉलपेपर, थोड़ा नेट हम बंद कर देते हैं, उससे भी थोड़ी स्पीड स्लो हो सकती है। टॉर्च, सिस्टम मैनेजर, कैलकुलेटर, जी स्टोर, क्लॉक, सिस्टम अपडेट्स। अब हम थोड़े बेसिक्स ऐप्स खोल के देखते हैं, जैसे हमारा ट्रूकॉलर हो गया, जल्दी परफॉर्मेंस, जियो टीवी,
माय जियो तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी ऐप्स खोल रहे हैं। पिक्सार्ट कोले मास्टर इंस्टाग्राम लाइट ये बिना नेट से भी चलेगा नहीं, मतलब मान लेते हैं अपने खुल गया। मोटो रियल रूम क्लैश ऑफ क्लैंस अभी अपन खोल नहीं सकते, नेट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। बाकी मैसेजिंग का ऐप खुल गया था, बेसिक क्यू MX प्लेयर व्हाट्सएप और हम जल्दी से बंद कर देते हैं। हम 2-3 सेकंड इसमें माइनस कर देंगे क्योंकि कुछ ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो आप देख सकते हैं लगभग 3 मिनट 3.5 मिनट लगे हैं इन इस फ़ोन को सारे ऐप्स खोलने में। और देख सकते हैं इतने सारे ऐप्स खुल चुके हैं। अभी मैंने क्लियर कर देते हैं। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब खोल कर हम बताते हैं आपको हमारा चैनल। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है तनिष अग्रवाल। आपको थर्ड नंबर वाला मिलेगा, वो ऊपर वाला मेरा चैनल नहीं है। थर्ड नंबर में अभी हम अपलोड कर रहे हैं हमारी चीज़ें। तो अभी हम वीडियो डालते रहेंगे और यहाँ पर आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं हम और परफॉर्मेंस के मामले में और हम क्या देख सकते हैं। मैं आपको इसके फीचर्स पहले ही वीडियो में बता सकता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। बाकी ये कैमरा ठीक ठाक है परफॉर्मेंस के मामले में, मैं तो बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ करता हूँ। चलो मिलते हैं फिर, बाय फ्रेंड्स।